चिंता मत करो आप। आज आपका बेटे देखिए 14th हो गई है डेट, और स्लोली एंड स्लोली आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, एंड आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया होगा कि एग्जाम्स आर कमिंग नियर, वी आर टू स्टडी हार्ड। और जैसे आप लोग कह रहे हो, मैं बेटा जो आपका मोशन वाला चैप्टर है ना बेटा, यही कह रहे थे ना आप, इसमें सबसे पहले बेटे इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं, आज इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से हम जैसे आप कहोगे मुझे बता दिया करो पढ़ना क्या है, उस हिसाब से आपको मैं करवा दूंगा। और कोशिश करिए कि आप अपने टॉपिक्स को एक सिस्टमेटिक वे में लिख के रखिए कि जब भी टीचर क्लास में आए आप बोल दो कि ये हमें करवा दीजिए, तो वो आपका जो है ऑटोमेटिकली सारे का सारा डिस्कशन हो जाएगा। उसका फायदा ये रहता है कि आपको अच्छे से पता होता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं तो सारा बोली जाऊंगा, जो चीज आपको चाहिए अगर मैं वो बोलूंगा तो आपको फायदा डबल हो जाएगा, है ना बेटा। तो बताइए फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन शुरू करूं ये रुको। गुड, चले भाई, ओके डन बेटा। इक्वेशंस ऑफ, हाँ जी सब कर देंगे बेटे, आप चिंता मत करो। पहले हम इसको डेफिनेशन से करेंगे फिर ग्राफ से करेंगे, ठीक है जी। डेफिनेशन से करनी आपको आती है कि भूल गए? हाँ जी हाँ, मैं तो करवाऊंगा ही बेटे, मैं तो, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो करवाऊंगा। इमेजिन कर लीजिए बेटा आपके पास एक ये स्ट्रेट रोड है, सरफेस है, इस स्ट्रेट रोड या सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, टॉय कार की फॉर्म में है। इनिशियली ये स्मॉल यू वेलोसिटी पे मूव कर रहा है एट द पॉइंट ए। उसके बाद आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इसी डायरेक्शन में मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर दिया आपने। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसके हिसाब से ये एक्सेलरेट हो जाएगा बेटा, और आपका ये जो टॉय कार है ये जब बी पॉइंट पे पहुंच गया इसकी वेलोसिटी बन गई जी स्मॉल बी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका मोशन यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ ना, फिर या तो ये एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो इट विल बी रिटार्डेड, अगर आप फोर्स अप्लाई कर दोगे इट विल बी एक्सेलरेटेड, राइट बेटा। अब आप अच्छे से जानते हो एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपने डेफिनेशन एक्सेलरेशन का पढ़ रखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, राइट बेटा। तो बेटा आपका जो एक्सेलरेशन है फिर चेंज इन द वेलोसिटी देखो कितना आया भाई मिलन, बताइए। नहीं ये देखो आपका फाइनल वेलोसिटी है बेटो पुत्र, ये इनिशियल वेलोसिटी यही चेंज आया, यस बी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन इज दी, राइट। टी को इस तरफ ले जाऊं मैं, या अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप ए बाई वन लिख दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो टी को ए से मल्टीप्लाई किया इट इज ए टी, बी माइनस यू को वन से माइनस किया इट इज बी माइनस यू, ऐसे तो इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। तो फिर आप ऐसे लिख सकती हो बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो ये स्मॉल यू को उधर ही ले जाएं राइट साइड पे, इट इज यू प्लस ए टी, ये आपका बन गया जी फर्स्ट इक्वेशन।
वेक्टर डालना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही बात है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। कोई इसमें बात नहीं पता चली तो बताइए, सारा क्लियर है। इसके बाद आइए सेकंड इक्वेशन को ब्रीफली डिराइव करके देखें, सोचें समझें। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, वेरी नाइस वेरी नाइस। आइए देखें स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसको कंप्लीट करके देखें। वी वांट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करना चाहते हैं। इसको डिराइव करने के लिए आप जानते हो जो स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है रादर, ये बेटा जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको डिस्टेंस कवर्ड दे देती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप जब किसी स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करते हो, आप मूव कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है कि आपकी स्पीड सेम रहे, हर एक पॉइंट पे बदलती रहती है। मान लीजिए आपको स्कूल में फुल ब्रेक हो गई, पूरी छुट्टी हो गई आपको, और आप स्कूल से मूव करना स्टार्ट कर देते हो, साइकिल पे हो, स्कूटर एक्टिवा मोटरसाइकिल चला लेते होंगे, तो आप जैसे ही निकले स्कूल से, आगे डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, उसके हिसाब से आपकी स्पीड बदलती रहती है बेटा। आई जस्ट मीन टू से दैट कि आपकी स्पीड सारे रास्ते में एक जैसी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। और जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम से डिवाइड करके। तो मैं ये कह रहा था कि आपका एवरेज स्पीड अगर आप निकाल लो कितना है, और आपको टाइम कितना लग गया, इन चीजों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है। ऐसा ही है बेटा। तो डियर चिल्ड्रन, एवरेज स्पीड आपकी वी प्लस यू अपॉन टू कहीं आपने पढ़ रखी होगी, राइट। और अभी प्रेजेंटली आपने कहा था आपका जो वी है, फाइनल वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यू प्लस ए टी के बराबर आपने कहा है अभी अभी, है ना बेटे। और अगर ये ऐसा है तो आप इस वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और व्हेन यू विल बी पुटिंग दिस वैल्यू, ये आवाज कहाँ से आ रही है, हाँ इसकी सर ऐसी है जैसे कि इसमें से आ रही है, पहले भी आ रही थी, हाँ वो म्यूटेड ही है बेटे, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो एनी हो बेटा, जब आप ये सारा जानते हो, देन व्हाट विल हैपन, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एस विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी बी की जगह पर, ये यू आपने ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय टू, और टी भी आपका ऐसे ही रह गया, राइट। अब देखो बेटे, यू प्लस यू किसके बराबर होता है, पक्का यू स्केयर तो नहीं होता, सच में, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू यू प्लस यू, आपके पास बन गया टू यू, ए टी में कोई टर्म ऐड होने वाली है ही नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा, ए टी का ए टी रह गया, डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, ऐसे आ गया। ये ऊपर लिख देता हूं आपको थोड़ा, हाँ जी क्या, ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है, इट विल बी नाउ समथिंग लाइक दिस विद ए एस, देखो क्या बना, ये जो टू है ये इसके भी डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में, मैं अलग करके टर्म्स लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं,
तो देखो आपको कैसा लगेगा बच्चों। ठीक है कट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये कट कर दिया। एस बन गया बेटा यू प्लस 1/2 इंटू ए इंटू टी, एक टी बार भी पड़ा है ना बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दें, चलिए जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप जैसा कह रहे हो वैसी कर लेते हैं। टी पहले यहां पे मल्टीप्लाई होगा फिर यहां पे, राइट। आप लिखवाओ बेटा क्या बना, ये यू इंटू टी इज इक्वल टू यू टी, वेरी गुड। और हाफ ए टी इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, देखो आपको तो आता है, आप ऐसे कहीं जा रहे, नहीं किया था। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गया, राइट। कोई है मुश्किल चीज, सीधी सीधी बातें हैं। आप कहते हैं नहीं जी सीधी बात नहीं है क्या, यस। अच्छा आसान लग रहा है वो, ओके चलें आगे फिर। चलिए बेटे थर्ड इक्वेशन की बात करें फिर, उसको भी डिराइव करके देखें, फिर कोई न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्या है कैसे हैं। हाँ जी मिलन जी क्या कहते हो आप, कुछ नहीं कह रहे हो, कह रहे हो। अच्छा कुछ भी नहीं कहा आपने, चलिए नहीं कहा तो आइए देखें आगे। थर्ड इक्वेशन बेटे कैसे डिराइव कर सकते हैं, लेट अस फोकस अपॉन दैट थर्ड इक्वेशन। आपको याद है थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, दोबारा फिर से बोलिए, एक बार फिर बोलेंगे, एक बार फिर से बोल दो। इट इज माइनस बेटे, प्लस नहीं है ये, इसलिए मैं कह रहा था आपको बैठो, सो दैट कि आप अपने आप को करेक्ट कर लें। इट इज बी स्केयर माइनस है बेटा, प्लस नहीं होता, सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as बेटा, ठीक। इसको डिराइव करने के लिए बेटा आप अच्छे से जानते हो, डिस्टेंस कवर्ड जो है इट इज एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन, आप अच्छे से जानते हो। डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा बी एवरेज इनटू टी, बी एवरेज कितना है बी प्लस यू अपॉन टू इनटू टी, और आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लिया हुआ है ना बेटा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और देखिएगा अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसा रहेगा, ए को मैं इधर ले गया डिनोमिनेटर में, एडजस्टेबल है ना बेटा, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस टी ओवर हियर, ये देखिए यहां पुट कर दें। और आइए देखें हमें किस तरीके से रिलेशनशिप अमेंडमेंट होने के बाद मिलता है वी प्लस यू अपॉन टू वी माइनस यू अपॉन ए, टू और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, ऐसा आपके पास आ गया 1/2 ए, राइट। और ये बन गया वी प्लस यू वी माइनस यू बेटा, पक्की बात है, कौन सा फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत नाइस बहुत बढ़िया। एस आ गया 1/2 ए एंड इट इज बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, 2a को इस तरफ ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इट विल बी 2as एंड हेयर इट इज बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या आप ऐसे लिख लो बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, राइट बेटा। सो आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। हाँ जी
कौन सा टी? इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की ना हमने, टी की जगह पर उसकी ये वैल्यू लिख दी हमने, तो आपके पास आपका रिलेशनशिप अपने आप आ जाएगा। समझ आ गई बात बेटा? चलें आगे, अब करें कुछ न्यूमेरिकल मिलन। ले आओ फिर न्यूमेरिकल करके देखें, एक दो निकाले। कम फास्ट, चलिए एक एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले यही करवाता हूं, काफी अच्छी टाइप है ये। आइए कंसंट्रेट करके देखें कौन सा एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट साथ साथ ही कर लोगे आप, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए इन द एंड बेटा। आइए देखें, आपको दिया गया है, इट इज एग्जांपल नंबर 8.5 है आपका एनसीईआरटी बुक का। स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं फिर आप सुन लीजिएगा, कोई वो जरूरत नहीं बेटी इसकी, रखो इसको। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहला ही वर्ड काफी इंफॉर्मेटिव है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो, राइट। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी बन गई 72 किलोमीटर पर आवर। कब बनी? इन 5 मिनट्स। टाइम आपको दे दिया 5 मिनट्स का बेटा, राइट। और आपको कहा गया है अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन एक जैसी है हर एक पॉइंट पे। फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला पॉइंट आपको एक्सेलरेशन निकालने को कहा गया है। सेकेंडली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन इन अटेनिंग दैट वेलोसिटी। फिर से ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट इज वाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी 72 आपको दे दी उन्होंने, टाइम मिनट्स में दे दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि सारा डेटा उन्होंने अलग अलग यूनिट्स में दिया हुआ है। इसको क्या करें पहले? यस, ये 72 था ना आपका, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 20। इज इट जस्टिफाइड इन डूइंग सो कि नहीं? अब बताइए भाई, 5/18 से क्यों किया, किसी और से क्यों नहीं कर दिया? कैन एनीवन एक्सप्लेन? हाँ 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 बोलो, शाबाश। एक आवर में 360 सेकंड थोड़ी होते हैं, 3600। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा, मैं आपको एक बार करके दिखा भी देता हूँ। ये 72 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, 72 को रहने दिया, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 meters। और 1 hour में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरी से दूसरा कट गया जीरो। 5, 2, 5 are 10, 2, 3 are there। इसको देखो जरा, ये चीज क्या बची? 5/6 × 3 कितना हुआ? 18। उसी से किया है, कोई बदल तो नहीं दिया। ओके, 5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? 5 × 60 300 seconds हो गए, राइट। सेकंड्स में रखना है हमें, तो
फिर आपका डिस्टेंस भी किलोमीटर में आएगा, है ना। एक ही बात है, या आप इसको आर्स में कर लो, या स्टैंडर्ड आपका यही होता है, टाइम सेकंड्स में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, स्टैंडर्ड है। ठीक है बेटा, कोशिश करो कि ऐसे ही करें आप। सो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब क्या करें, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ए कितना आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी आएगा, बी कितना है 20, ये जीरो, टी कितना है, ये आ गया 20 अपॉन 300 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। काफी कम एक्सेलरेशन है, जरा आंसर मैच कर लेना साथ साथ। ठीक है, दूसरा पार्ट है डिस्टेंस कवर्ड। बेटे आप बताओ डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, थर्ड कौन सा, कौन सी, सेकंड, क्यों नहीं, एक मिनट, सेकंड, हाँ जी, एफ एससी तो निकालना है आपको, तो सेकंड भी लग सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी लगी सकती है। हाँ जी, थ्री से आसान लगता है आपको, बैठिए, दोनों ही लग सकती है बेटा। आइए हम अपना का, आप दोनों लगाकर अपना आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सेम आता है कि नहीं आता। आपको भी, आपके मन में भी एक डर है ना कि पता नहीं वो उससे कोई आंसर बदल ना जाए, वो भी निकल जाएगा। आइए देखें, पहले आप कह रहे हो थर्ड लगानी है, तो मैं थर्ड ही लगा रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, एंड एस बन गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, एस कितना बन गया 20 इंटू 20 अपॉन टू इंटू 1/15, ये एस बन गया 150 इंटू 20, एस बन गया 300 मीटर, नहीं 3000, चेक करिएगा ऐसा ही है। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। अब आइए सेकंड इक्वेशन यूज करके देखें भाई बत्सल, क्या कहते हो आप, कर दें कि रहने दें, कर देना चाहिए ना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आइए चेक करें, U आपका जीरो था और A कितना निकाला आपने 1/15, T कितना था, ये आ गया, ये 10 बना, 3000 मीटर आ गया, अलग तो नहीं है, सेम है, पक्का, समझ आ गई, कोई भी लगा सकते हो। तो अपने आप को ये मत सोचिएगा कि हमने ये की लगानी है, बस इस चीज का ध्यान रखिए कि जो चीजें आपको दी गई है ना, इन चीजों को आप थोड़ा सा फोकस में रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी, राइट। देन आइए एक और करते हैं, 8.6 वाला भी करते हैं, वो भी काफी अच्छी टाइप है आपका, प्रॉब्लम नंबर 8.6 एनसीईआरटी बेस्ड है ये भी, आप खुद भी जाके आज बेटे करके देखना प्रॉब्लम, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई भी बुक पकड़ लो, उसके अनसॉल्व वाले न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व वाले करने के बाद स्टार्ट करना, पहले सॉल्व वाले सारे कर लेना, फिर अनसॉल्व वाले करने की कोशिश करना, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8.6 बेटा, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर,
वेरी फर्स्ट लाइन इज गिविंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ए कार एक्सलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर. इट मींस 18 किलोमीटर पर आवर इनिशियल है एंड ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, राइट? 36 है भाई, 30 नहीं है. इन 5 सेकेंड्स टाइम भी आपको, हाँ जी टाइम 5 हो गया, बिल्कुल ठीक कहा आपने. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार. ये तो आपके लिए है प्रॉब्लम भाई, इसी बार तो हम करके हटे थे अभी अभी. इसको बुक करो, बंद बुक को बंद करो. आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है. आप करिए, इसको बंद कर दो बेटे बुक को जरा. अब देखिए करके, सेम तरीका, एवरीथिंग सेम, डिफरेंट कुछ भी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं. कन्वर्ट करिए पहले, बहुत अच्छे. नहीं नहीं टाइम को आर्स में नहीं करना. इट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. इसको सेकेंड ही रहने दो. एक्सेलरेशन 1 आ रही है सबकी, देखें करके. चलिए करके देख लेते हैं. V इज इक्वल टू U प्लस 80, V माइनस U इज इक्वल टू 80, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, A इज इक्वल टू 10 माइनस 5 अपॉन 5, A इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबका आ रहा होगा. डिस्टेंस वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया. S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर. स्मॉल u कितना था 5, t कितना था, t भी 5, a कितना है 1, t है 5 का स्क्वायर. दिस इज 25 प्लस 25 बाई 2, 25 प्लस 12.5 लिख दूं, 37.5 मीटर्स. चेक कर लीजिए सारे बच्चे, आर यू गेटिंग इट और नॉट बेटा. ठीक है जी, कोई मुश्किल चीज लग रही है तो बताइए, मैं दोबारा बता देता हूं. वैसे तो आसान ही लग रहा है ये, कोई मुश्किल लग नहीं रहा, राइट? देख लो, फिर भी कोई पॉइंट नहीं पता चला तो बता दीजिए. ओके, इन देन 8.7 करके देखते हैं बेटा. ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे. लेट अस फोकस अपॉन प्रॉब्लम नंबर 8.7 बेटे. क्वेश्चन नंबर 8.7. द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. क्या हुआ ये फिर? यस, रिटार्डेशन हो गई ये. ये माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो गया जी, अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के. इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, 2 सेकेंड्स के टाइम के बाद कार रुक गई, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, है ना? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम बेटा. आपको ब्रेक्स लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कार कवर करेगी ये निकालना. पहले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वी मे मेक यूज ऑफ द रिलेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू इज इक्वल टू वी माइनस 80 कर लें. वी कितना है,
माइनस ए कितना था, माइनस सिक्स, टी है टू, यू कितना बन गया माइनस माइनस प्लस 12 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करें आप, यस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 12 टी कितना था हाफ एंड ये आ गया 24, ये आ गया 24 माइनस 12, चेक करिए 12 मीटर है। देखो सारे स्टूडेंट्स बेटा सॉल्व करके, इज इट देयर, कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी इसमें। इसमें नोटिस करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपका जो एक्सेलरेशन है उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है। जब उन्होंने वर्ड अपोजिट डायरेक्शन लिखा तो हमें नेगेटिव साइन अपनी तरफ से ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं मुश्किल इसमें बेटा। सो डियर चिल्ड्रन थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, ओके बेटा।